हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अभिमन्यु आईएएस। सो आईएएस टारगेट 2021 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट्स, हम लोग टारगेट आईएएस 2021 में करंट अफेयर्स को कवर अप कर रहे हैं। हमारे अभी तक के 18 लेक्चर्स लग चुके हैं इन सेशंस के अंदर, और हम लोग अपना इन्हीं 18 लेक्चर्स के अंदर मार्च 2020 से अप्रैल 2021 के जो करंट अफेयर्स है उसको कवर अप कर रहे हैं। और ये हमारा सेशन चलेगा 70 डेज के लिए, यानी कि बिफोर 2021 प्रीलिम्स आपका ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। और ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को जो करंट अफेयर्स को लेकर प्रॉब्लम रहती है ना, वो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग कवर अप कर लेंगे। क्योंकि करंट अफेयर्स में क्या रहता है, बहुत बेसिक्स जो पूछे जाते हैं वो भी हम लोग इन्हीं करंट अफेयर्स में डिटेल्ड में कर रहे हैं। क्लियर है? तो आपका ये जो करंट अफेयर सेशन है, ये मोर देन वन ईयर के करंट अफेयर्स को कवर अप कर रहा है। और अभी तक के जो 18 लेक्चर लग चुके हैं, इसके अंदर हमने मार्च, अप्रैल और मई के करंट अफेयर्स को कवर अप कर लिया है। और हम लोग अभी जून को फोकस कर रहे हैं, और 16th, 17th, 18th लेक्चर हमारा ऑलरेडी, 3 लेक्चर्स हमारे जून 2020 के करंट अफेयर्स के ऊपर लग चुके हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा लेक्चर नंबर 19 है, वो भी आपका जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेकर ही रहेगा। अब बात करें इंपॉर्टेंट की, तो वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। क्लियर है? तो इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले अगर मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूं, तो myself कनम अग्रवाल, I am the current affair mentor in the अभिमन्यु IAS। तो लीजिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। अगर बात करें हमारी आज की सबसे पहली न्यूज की, तो वो रहेगी इंडियन डिजिटल पेमेंट सिस्टम आउटसाइड द इंडिया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर द GS पेपर 3, जनरल स्टडीज पेपर 3 के लिए ये न्यूज आपकी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। ये है क्या चीज, शुरू करते हैं। यहां लिखा कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो भारत का सेंट्रल बैंक है, इज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी। अब वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि वो एक्सपैंड कर दे अपने पेमेंट सिस्टम को अब्रॉड के अंदर, विदेशों में भी। याद रखें कि एक्सपैंड करने की पॉसिबिलिटीज की बात चल रही है आरबीआई के द्वारा, कि वो लोग अपने पेमेंट सिस्टम को अब्रॉड में भी लेकर जा सकें, फॉलोइंग द रिक्वेस्ट फ्रॉम द सेवरल कंट्रीज। क्लियर? यहां लिखा कि द आरबीआई हैज रिसीव्ड रिक्वेस्ट। अब आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई विदेशी कंट्री से क्या क्या रिक्वेस्ट को रिसीव किया है फ्रॉम द अब्रॉड फॉर इंप्लीमेंटिंग इट्स पेमेंट सिस्टम। अब उन्होंने बोल दिया है कि अदर कंट्रीज ने, कि आप लोग भी एक इंप्लीमेंट करें पेमेंट सिस्टम को। फॉर एग्जाम्पल, चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम जिसको बोलते हैं CTS। फिर एक सिस्टम आता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसको आप लोग नेफ्ट बोलते हो। एक आता है UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और एक आता है मैसेजिंग सॉल्यूशंस। तो ये हम लोग देखेंगे कि हम लोग इनके जरिए भी अपना जो पेमेंट सिस्टम है वो अब्रॉड में चला सकते हैं। क्लियर है? और ऐसा हमने रिसीव किया है रिक्वेस्ट को अदर कंट्रीज के थ्रू। या क्या बोलते हैं कि करंटली देर आर नो आरबीआई ऑथोराइज्ड पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर प्रोवाइडिंग पेमेंट सर्विसेज आउटसाइड द इंडिया। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मैं आज की बात कर लूं, आज के टाइम पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसी को भी ऑथराइजेशन, मतलब ये लगा लो परमिशन नहीं दिया है कि वो अपनी फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर सके भारत के बाहर भी। ठीक है? यहां बोला कि हाउएवर देयर इज अ क्रॉस कंट्री ऑपरेशन। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, कि हाउएवर क्रॉस कंट्री कॉपरेशन विद भूटान विद रिस्पेक्ट टू CTS की, भूटान से, भूटान के कॉपरेशन के अकॉर्डिंगली हम लोग CTS को यूज कर रहे हैं। वो क्या आपका चेक ट्रंकेशन सिस्टम। क्लियर है? नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउसिंग NAC यूज कर रहे हैं, एंड नेफ्ट। कहते हैं नेफ्ट इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर वन वे ट्रांसफर्स फ्रॉम इंडिया टू नेपाल। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपका डाटा इंपॉर्टेंट रहेगा। हमने अभी तक का नेबरिंग कंट्रीज के साथ किया CTS, मतलब चेक ट्रंकेशन सिस्टम शुरू किया भूटान से, और इवन नेफ्ट जो
हमारे पास एक स्कीम है, वो क्या चीज रहती है कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, वो वन वे ट्रांसफर किया गया भारत से नेपाल, हमने ये भी शुरू किया हुआ है, क्लियर है? तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। सेकेंड लास्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन करें प्लीज आप लोग। यहाँ लिखा कि एफर्ट्स हैव बीन मेड, इवन और भी बहुत ज्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं ताकि हम लोग इंक्रीज कर सकें और बहुत ही फैला सके, वाइड कर सकें एक स्कोप कवरेज यूजेज ऑफ रुपे कार्ड, जिसको हम लोग आरयू पे कार्ड बोलते हैं, स्कीम है ये एक, एंड यूपीआई मतलब क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस को, टू एनहांस देयर ब्रांड वैल्यू इंटरनेशनली, ताकि आपका जो रुपे है, रुपे कार्ड प्लस यूपीआई, तो ये दोनों की हम लोग इनके जरिए भारत जो अपना पेमेंट सिस्टम है वो अब्रॉड में भी सेटल कर सके। तो इन दोनों के जरिए हम लोग अपना पॉसिबिलिटीज को देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा है ना कि एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज, वो कंसेप्ट है। आगे देखते हैं इस न्यूज में। यहाँ लिखा कि इंडिया इज ग्रोइंग यूज ऑफ रिटेल डिजिटल पेमेंट, हालांकि भारत जो अब डिजिटल पेमेंट में काफी ज्यादा बढ़ोतरी कर रहा है, इंडिकेट वो क्या दिखाता है कि शिफ्ट इन द रिलेशनशिप विद द कैश, वो शिफ्ट कर रहा है किस में, कैश से डिजिटल में, ठीक है ना। लिखा कि अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द डिजिटल पेमेंट्स इन द कंट्री हैव विटनेस अ ग्रोथ ऑफ, अब कंसेप्ट देखें, आरबीआई ने बोल दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का जो इकलौता सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा बोला गया कि भारत ने एक विटनेस किया है, क्या है वो, 61% का उछाल है, ग्रोथ है, एंड 19% इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड द वैल्यू रिस्पेक्टिवली। अरे किसमें, अरे 61% हमने इंक्रीज किया किसमें, डिजिटल पेमेंट में, डिजिटल पेमेंट में भारत ने उछाल दिखाया है यहाँ पे, कि हम लोग अब मैक्सिमम डिजिटल पेमेंट्स पे डिपेंडेंट होने लग गए हैं। अगर मैं ये बात करूँ 19% की, तो 19% क्या है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अगर हम लोग कैश के रूप में बात कर लें कि हम लोग कितना कैश ट्रांसफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, तो वो होगा 19%, क्लियर। यहां लिखा कि वैल्यू ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, अब हम बात करें अगर पूरे साल में जो डिजिटल पेमेंट्स हम लोग करते हैं टू जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज आल्सो इंक्रीज, वो कितना आया, 660% इन 2014 से 15 इनटू 862% इन 2018 से 19। ये डाटा आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, याद रखें ये प्रिलिम्स में काफी बेनिफिशियल रहने वाली बात है आपकी, क्योंकि प्रिलिम्स में अगर क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, तो आप लोग यहां पे कंफ्यूज ना हो जाइए परसेंटेजेस को लेकर, क्योंकि परसेंटेज को लेकर हालांकि एक आधा ही क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा नहीं है, बट आपके एक माइंड में होना चाहिए कि भारत ने डिजिटल पेमेंट में कितनी बढ़ोतरी की है। आप खुद देख सकते हैं कि जीडीपी 660% जो 2014 से 15 में थी, अब वो इंक्रीज हो गए 862 हो चुकी है 2018 से 2019 के साल में, क्लियर है। यहां पे लिखा नेक्स्ट पॉइंट है द पॉइंट ऑफ सेल, जिसको पॉस बोलते हैं, टर्मिनल्स ग्रू एट हाई पेस ऑफ 35%, बिल्कुल ठीक। कहते कंट्रास्टिंगली द डिप्लॉयमेंट ऑफ एटीएम्स हैज ग्रोन एट लो पेस 4%। अरे कंसेप्ट देखें कंट्रास्टिंगली, अगर इसके ही हम लोग ऑपोजिट देखें, डिप्लॉयमेंट ऑफ एटीएम्स हैज ग्रोन एट लो पेस 4%। अब एटीएम को इतना परसेंटेज डिक्लाइन क्यों हो रहा है, क्योंकि अब हमारा इंडिया डिजिटल पेमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होना शुरू हो रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है कैश से, वो शिफ्ट हो रहा है डिजिटल पेमेंट में। यहाँ पे अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में बोल दूँ ना, पहले हम लोग कैश पे डिपेंडेंट रहते, अब आज का भारत किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, डिजिटल पेमेंट पे, डिजिटल पेमेंट पे डिपेंडेंट रहता है। अरे डिजिटल पेमेंट कैसे कंसेप्ट है, कि जो आपका ई वॉलेट है, मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है जिसके अंदर आप लोग अपना पैसा जमा करके रख सकते हो, वो डायरेक्टली अब किससे लिंक रहता है, आपके बैंक अकाउंट से लिंक रहता है। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है विद द हेल्प ऑफ यूपीआई, है ना। तो इसीलिए तो हम लोग कैश से शिफ्ट होकर डिजिटल पेमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, और तभी तो ये लाइन यहाँ पे लिखी गई है कि डिप्लॉयमेंट ऑफ द एटीएम्स हैज ग्रोन एट लो पेस। अरे बढ़ तो रहा है बट काफी लो पेस में बढ़ रहा है, कितना, 4% का। और अगर इसके ऑपोजिट देखें, जो आपका पॉज है, वो कितना बढ़ रहा है, 35% बढ़ रहा है।
आप कंसेप्ट देखिए, आप रेशो को समझे, 35% रेशो और उधर 4% ही सिर्फ बढ़ रहा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको बोलते हैं यूपीआई। अभी हमने देखा, कहते ये एक एडवांस वर्जन है किसका, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज का, ताकि जल्द से जल्द इंस्टेंटेनियसली आपका फंड्स, आपका कैश ट्रांसफर हो सके, राउंड द क्लॉक फंड ट्रांसफर सर्विस टू मेक कैशलेस पेमेंट्स फास्टर, इजियर एंड स्मूथर। यहाँ पे ये चीज को आप लोग ध्यान में दें कि जो हमने कैशलेस पेमेंट के लिए यूपीआई को हमने इम्प्लीमेंट किया, उसके लिए एक तो फास्टर मैकेनिज्म बन गया, बहुत आसान हो गया और सिस्टम भी बहुत स्मूथ हो गया आपका। यहाँ पे लिखा एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया यूपीआई को विद 21 मेंबर बैंक्स इन द 2016। अगर मैं आपको आज से 10 से 15 दिन पीछे लेकर चलूं, माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि अप्रैल 2020 की करंट अफेयर्स के एक सेशन पे, तो हमने एक करंट अफेयर पढ़ा था कि भारत के अंदर सिर्फ एनपीसीआई है, मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ही एक ऐसा इकलौता कंपनी लगा सकते हो भारत के अंदर है, जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही, किसके ऊपर, डिजिटल पेमेंट के ऊपर। तो इसीलिए तो सिर्फ एक कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा लोड है, तो ये अपनी 100% एफिशिएंसी नहीं दे पाती। तो भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इवन आरबीआई भी बोलता है, क्यों ना हम लोग एक कंपैरिजन में एक और कंपनी बनाई जाए जो भारत के अंदर डिजिटल पेमेंट को भी संभाले, यानी कि एनपीसीआई के पैरेलल एक और कंपनी बनाई जाए जिसका काम भी रोल प्ले एज सिमिलर टू द एनपीसीआई हो। और हमने ये देखा था, और ये बिड्स भी लग रही हैं, रिलायंस की तरफ से लग रही हैं, टाटा की तरफ से लग रही हैं, और अमेज़न कंपनी की तरफ से भी लग रही हैं। तो ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था। अगर आज की बात कर लें, यहाँ पे लिखा जो यूपीआई है वो लॉन्च किया गया था विद द हेल्प ऑफ एनपीसीआई, जिसके 21 मेंबर बैंक्स हैं 2016 के अकॉर्डिंग। ये डाटा हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये इंपॉर्टेंट डाटा है स्टूडेंट्स। चले आगे, देखिए एक बात याद रखें, मैं आपसे एक चीज अभी फिर से बोलना चाहूंगा, मैं हर एक सेशन में बोलता हूं, किसी को भी कोई डाउट रहता है ना, तो प्लीज आप कमेंट में जरूर लिखा करें। क्लियर। दूसरी बात, हम लोग यहां पे हर एक न्यूज को बहुत ही धीरे धीरे कवरअप कर रहे हैं और बहुत एक्सप्लेन मैनर से कवरअप कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो मैं उसको सॉल्व आउट कर सकूँ। और धीरे करने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव रहता है कि आपको जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है ना, वो आपके दिमाग में बस जाए, और दूसरा अगर इन केस मेंस के अंदर कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये आपकी सबसे बड़ी हेल्प हो जाए, ताकि आपके पास एक की बजाय आपके पास 10 ऐसे पॉइंट्स हो जो आप लोग मेंस में लिख सको वहाँ पे। क्लियर है ना। तभी तो हम लोग विद वेरी एक्सप्लेन्ड मैनर से हर एक न्यूज को कवर अप कर रहे हैं। चलते हैं आगे। अब हमने एक ये भी पढ़ लिया था, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसको हमने नेफ्ट बोल दिया था। यहाँ लिखा कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, ये नेशन वाइड है, पूरे भारत में चलता है, पेमेंट सिस्टम है, और फैसिलिटेट करता है 1-to-1 फंड ट्रांसफर। बिल्कुल ठीक है। कहते हाउ एवर द मैक्सिमम अमाउंट पर ट्रांजेक्शन इज, अब एक बार में आप कितना पैसा ट्रांजेक्शन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नेफ्ट, वो है 50,000 रुपीज फॉर कैश बेस्ड रेमिटेंस विद इन इंडिया, भारत के अंदर, एंड ऑल्सो फॉर रेमिटेंस टू नेपाल अंडर द इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आपका रहा मेन्स परस्पेक्टिव से, कि इंडिया ने नेपाल को लेकर भी इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम लॉन्च की। और जो ये स्कीम है हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं स्टूडेंट्स, नेफ्ट के अंदर यूज करते हैं, मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर में हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। क्लियर। चले आगे, आगे देखते हैं। ये रहा आपका आर यू पे डेबिट कार्ड जो हम लोग देख रहे हैं। क्लियर है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे लिखा कि आर यू पे कार्ड स्कीम है क्या। लिखा कि रुपे इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डोमेस्टिक कार्ड है, जो पूरे भारत में यूज कर सकते हो, इवन आपका डेबिट कार्ड भी है और एक क्रेडिट कार्ड पेमेंट नेटवर्क भी है भारत में। क्लियर है ना। यहाँ पे लिखा द नेम ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड्स रूपी एंड द पेमेंट। अब इसका रुपे का नाम कैसे डिफाइन किया गया, डराइव कर सकते हैं आप लोग, कि रूपी एंड द पेमेंट
emphasizes that it is India's very own initiative for the debit and the credit card payments can also be used for transaction in Singapore, Bhutan, UAE, Bahrain and Saudi Arabia. मैं इसको prelims perspective से फिर से important बोलना चाहूँगा. अरे यहाँ पे हमने अभी बोला कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब एक बात को एक्सप्लोर कर रहा है, क्यों ना भारत भी अपना जो मनी ट्रांसफर सिस्टम है वो इंटरनेशनल लेकर जाए विद द हेल्प ऑफ रुपए और यूपीआई. और अगर देखा जाए रुपए कार्ड, अगर आपके पास रुपए कार्ड है तो वो रुपए कार्ड चाहे डेबिट है या फिर क्रेडिट कार्ड है, वो ट्रांजेक्शन सिंगापुर में कर सकता है, वो ट्रांजेक्शन भूटान में कर सकता है, वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में दुबई में भी कर सकता है, फोर्थ इज योर बहरान में कर सकते हैं, एंड फिफ्थ कंट्री इज योर सऊदी अरेबिया. तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि रुपे कार्ड रिसेंटली जो हम यूज करते हैं भारत के अंदर फॉर द ट्रांजेक्शन पर्पजेज फॉर द ई बैंकिंग वो कहाँ कहाँ पे और दूसरे कंट्रीज में यूज हो सकता है, वो आपके सामने लिस्ट है. क्लियर, आगे चलते हैं. अब हमने ये भी देख लिया था कि रिजर्व बैंक बोलता है कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम भी यूज कर सकते हैं. ये क्या चीज है, कहते हैं एक ऑनलाइन इमेज बेस्ड स्कीम है, सॉरी चेक है, क्लियरिंग सिस्टम अंडरटेकन बाय द आरबीआई, जिसने आरबीआई चलाता है, फॉर फास्टर क्लियरिंग ऑफ चेक्स, इट एलिमिनेट द एसोसिएटेड कॉस्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ फिजिकल चेक. अरे कंसेप्ट ये है, अब कंसेप्ट देखें यहाँ पे कि सपोज कीजिए ये ए सिटी है और ये बी सिटी है, यहाँ पे एक ह्यूमन बींग ने चेक लगाया और वो चेक क्लियर होना था, मतलब वो कौन सी ब्रांच का चेक था, वो बी ब्रांच का चेक था. इंस्टेड ऑफ ये चेक अब बी सिटी में जाए और इसका क्लियरेंस ए सिटी में हो जाए, रेदर देन ये फिजिकल मूवमेंट के बचते हुए आरबीआई ने क्या बोल दिया, क्यों ना हम लोग चेक ट्रंक्शन सिस्टम यूज करें, यानी कि ये चेक अब ए बैंक में जाएगा ए सिटी के अंदर ही, वहां से इसको स्कैंड कॉपी इसकी बी में भेजी जाएगी और वहीं से इसको आप लोग क्या कर सकते हो, कैश कर सकते हो, कौन से बैंक में, विद सेम सिटी के अंदर. सो दिस इज द चेक ट्रंकेशन सिस्टम. क्लियर है, यहां लिखा कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस क्या चीज है, कि नैक, ये एक सर्विस है जो ऑफर की गई एनपीसीआई के द्वारा टू द बैंक्स को, और इनका एम क्या है, ताकि फैसिलिटेटिंग इंटर बैंक हाई वॉल्यूम लो वैल्यू डेबिट क्रेडिट ट्रांजेक्शन विच आर रेपिटेटिव एंड इलेक्ट्रॉनिक इन द नेचर. तो यहां तक कोई डाउट तो नहीं है स्टूडेंट्स, चलें आगे हम लोग. हमारी नेक्स्ट न्यूज रहती है कि इंक्रीजिंग न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स, भारत का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, वो देखते हैं कि इंक्रीजिंग न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 के लिए. शुरू करते हैं, यहां लिखा कि अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट, अभी जो रिसेंटली एक रिपोर्ट आई जो पब्लिश की गई थी सिप्री के द्वारा, ईयर बुक 2020. अब सिप्री क्या है, थोड़ी देर वेट करते हैं, सेकंड पॉइंट पे सिप्री के बारे में लिखा हुआ है स्टूडेंट. तो लिखा कि सिप्री ने जो पूरे साल की 2020 में बुक लॉन्च की, एक रिपोर्ट लॉन्च की है, उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि भारत, पाकिस्तान एंड चाइना हैव इंक्रीज देयर न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स. तो इन तीनों देशों ने अपना जो न्यूक्लियर का जो स्टॉक पाइल है उसको बढ़ाया है पिछले सालों से, इन द पास्ट ईयर्स, एंड ऑल नेशंस ऑलरेडी हैविंग देम आर मॉडर्नाइजिंग देयर न्यूक्लियर आर्सेनल्स. क्लियर, अब बात करें सिप्री की, मैं इसको इंपॉर्टेंट बोल दूंगा प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से, ये मैं बोल दूंगा प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से कि सिप्री जो ईयरबुक लॉन्च करता है वो क्या चीज है, बाय द स्वदेशी थिंक टैंक स्टॉकहोम्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च. प्लीज इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि सिप्री क्या चीज है, कि सिप्री स्टैंड्स फॉर द स्वदेशी थिंक टैंक स्टॉकहोम्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च. क्लियर, यहां पे कंसेप्ट देखें कि शांतिपूर्वकता के ऊपर हमें जोर देना है, रिसर्च करना है. इंस्टीट्यूट विच Researches international armaments and conflicts, जो international मतलब जो पूरे world level पे जो मुद्दे रहते हैं उनको सुलझाना, ठीक है. सिप्री ने एक और भी एक report annually release की है, और वो कौन सी है, Trends in world military expenditure, again important.
एक मिनट यहाँ पे ना थोड़ा सा क्लियर करके मैं आपको लिख देता हूँ, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं, क्योंकि यूपीएससी हर बार पूछेगा ही पूछेगा कि दैट रिपोर्ट इज पब्लिश बाय, और ये किसके लिए रहती है। याद रखें, एक तो रिपोर्ट का नाम, किसने पब्लिश की और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे लिखा प्रीलिम्स, यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रीलिम्स, तो ये माय डियर स्टूडेंट्स ये आपके सेकंड एंड थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। कि सिप्री एक और भी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करता है, और वो कौन से, ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। 2019 में इसको पब्लिश किया गया था, लिखा कि भारत, इंडिया वाज अमंग द टॉप थ्री लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर्स। भारत अब तीसरे स्थान पे है पूरे विश्व में मिलिट्री के लिए। क्लियर? कहते द नाइन नेशंस दैट हैव न्यूक्लियर वेपन। अब ऐसे कौन से नौ आपके कंट्रीज हैं जिसके पास न्यूक्लियर बेस हथियार हैं, वो है यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया। भारत भी इसके अंदर इंक्लूड हो चुका है, पाकिस्तान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया। याद रखें, अब मैं यहाँ पे ये न्यूज को लेकर अगर हम लोग देखें, नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर मिसाइल को टेस्ट किया। अरे न्यूक्लियर मिसाइल को टेस्ट कहाँ किया था? नियर द जापान। अब जापान में कहाँ पे, जहाँ यहाँ पे, यहाँ यूएसए का मिलिट्री बेस है, जापान में यूएसए का मिलिट्री बेस है, नॉर्थ कोरिया ने वहां पे न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। अरे इसीलिए तो यूएसए ने अपना एक थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय कर दिया। कहाँ पे? साउथ कोरिया में डिप्लॉय कर दिया। अरे साउथ कोरिया में डिप्लॉय करने के कारण चाइना ने इसको अपोज कर दिया, तो बन गई न्यूज अपने पास कि चाइना ने बोल दिया कि जो यूएसए ने थर्ड को डिप्लॉय किया वो गलत है। ठीक है ना? तो एक लाइन से कितनी न्यूज खड़ी हो रही है वो आप खुद देख सकते हो। यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया, ये सारे के सारे नौ देश आपके न्यूक्लियर वेपन से भरे हुए हैं। यहां लिखा द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स इन दीज न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैज गॉन डाउन। अब फिर भी जो पहले के मुताबिक अब फिर भी इसको डिसआर्मामेंटल करवाया गया है विद द हेल्प ऑफ सिप्री। याद रखें, गॉन डाउन तभी लिखा, फ्रॉम 13,865 इन 2019 से 13,400 इन 2020। आप खुद देख सकते हैं कि 465 न्यूक्लियर वेपन्स को डिसआर्मामेंटल करवाया गया। यही कंसेप्ट हुआ ना यहां पे। चलें आगे, अब आप खुद देख लें, दिस इज आवर यूएसए, और यूएसए के पास कितना है, 5,800 है। अब ये मैं यहाँ पे एक मिनट आपके लिए क्लियर करूँ, थोड़ा जूम करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लिखा द वर्ल्ड्स न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स पोजेसेस अ कंबाइंड टोटल ऑफ नियरली 13,500। अरे डाटा अगर यहाँ पे थोड़ा सा हो तो 13,400 लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं। यहाँ पे लिखा मोर देन 90%। अब इसमें से 13,400 में से 90% बिलोंग्स टू रशिया एंड यूएस, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। कहते अप्रोक्सीमेटली 9,500 वॉर हेड्स आर इन द मिलिट्री सर्विसेज विद द रेस्ट अवेटिंग डिसमेंटलमेंट। क्लियर? यहाँ पे देखते हैं यूएसए के पास कितने हैं, 5,800 है। इवन अगर मैं यहां पे बात करूं, इंग्लैंड के पास कितने हैं, 215, फ्रांस में 290, इजराइल में 90, पाकिस्तान में 160 और भारत के पास 150। आप रेशो देखें, इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स में पीछे है पाकिस्तान से, चाइना में 320, नॉर्थ कोरिया में 30 से 40 और रशिया में 6,375। अरे एक चीज मैं फिर से यहीं पे रिकॉल कर दूं, ये रहा अपना जापान, ये अपना जापान है ना, इसको जापान बोलते हैं यहाँ पे। तो यहीं पे तो नॉर्थ कोरिया ने क्या कर दिया था, जापान के पास एक न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट कर दिया। अरे क्या हो गया, तो जापान के पास, जापान पे हमें क्या देखना को मिला कि यूएसए का मिलिट्री बेस है। अरे इसीलिए तो ये थ्रेट को लेते हुए नॉर्थ कोरिया, कहाँ पे है आपका नॉर्थ कोरिया, ये रहा आपका नॉर्थ कोरिया, यहाँ पे आपका थर्ड सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया गया यूएसए ने, और इसको अपोज किसने किया, इसको अपोज कर दिया चाइना ने, अपोज किया। ये आपकी न्यूज बन गई थी, सही है ना यहाँ तक। चलें आगे, यहाँ लिखते हैं द डिक्लाइन इन द ओवरऑल नंबर। अब डिक्लाइन हो गया पूरे नंबर्स में, 13,400 की बात कर रहे हैं, वॉज लार्जली ड्यू टू डिसमेंटलमेंट
ऑफ ओल्ड न्यूक्लियर वेपन्स, अरे जो पुराने न्यूक्लियर बेस हथियार थे उसको डिसमेंटलमेंट किया गया बाय रशिया एंड यूएसए के द्वारा, याद रखें। अब लिखा न्यू स्टार्ट कहते विच टुगेदर्स अकाउंट फॉर मोर देन 90% ऑफ द न्यूक्लियर वॉरहेड्स इन द वर्ल्ड। मतलब अगर मैं बात कर लूँ न्यूक्लियर वेपन्स की तो टॉप कंट्रीज आपके रहेंगे रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज के पास आपके 90% न्यूक्लियर वेपन्स आपके पड़े हैं। ये लिखा कि इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना हैव इंक्रीज देयर न्यूक्लियर स्टॉकपाइल्स। अब भारत, अब न्यूज तो हम यही पढ़ा ना कि भारत पाकिस्तान और चाइना हमारे पड़ोसी मुल्क और इंक्लूडिंग आपका इंडिया भी, उन्होंने इंक्रीज किया अपने न्यूक्लियर स्टॉकपाइल्स को एंड आर सिग्निफिकेंटली मॉडर्नाइजिंग देयर आर्सेनल्स। लिखा बिल्कुल ठीक है, कहते अब बोथ चाइना एंड पाकिस्तान हैव अ लार्ज स्टॉकपाइल्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स कंपेयर टू इंडिया। अब अगर भारत को अलग कर दिया गया, चाइना और पाकिस्तान के दोनों को कंबाइन कर लो तो भारत के अकॉर्डिंग वो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। कहते एंड इंडिया एंड पाकिस्तान आर स्लोली इंक्रीजिंग द साइज एंड डाइवर्सिटी ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, कहते चाइना इज डेवलपिंग अ सो कॉल्ड न्यूक्लियर ट्राइड। एक मिनट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट आपका यहां पे, कहते चाइना इज डेवलपिंग अ सो कॉल्ड, अब चाइना क्या बना रहा है, न्यूक्लियर ट्राइड बना रहा है पहली बार, कहते मेड अप ऑफ न्यू लैंड एंड सी बेस्ड मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट। अरे कंसेप्ट देख लें, ट्राइड बना रहा है, ट्राइड, अरे ट्राइड के अंदर तहत क्या चीज रखेगी, एक तो नई जमीन न्यू लैंड, थर्ड पॉइंट क्या रखा गया, सी बेस्ड मिसाइल्स एंड, क्योंकि ट्राई है ना तो तीन पार्ट होंगे ना, और एक रहा अपना न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल, सॉरी एयरक्राफ्ट, आई एम रियली सॉरी, यहां पे हम लोग मिस्टेकली लिख गए थे मिसाइल्स, बट आना क्या एयरक्राफ्ट आना है। तो आपको पता लगा कि एक तो न्यू लैंड, सी बेस मिसाइल्स और न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट पहली बार चाइना बनाने जा रहा है, जिसको बोला गया ट्राइड। क्लियर, चले आगे, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखें। यहां पे लिखते हैं कि भारत सरकार की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान टोल्ड, एक मिनट, कहते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान टोल्ड अबाउट सम ऑफ देयर मिसाइल टेस्ट्स बट प्रोवाइडेड लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस और द साइज ऑफ देयर आर्सेनल्स। हाँ, भारत सरकार ने, पाकिस्तान सरकार ने बोल तो दिया था कि ये लोग भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को, मिसाइल्स को टेस्ट कर रहे हैं, बट ये प्रोविजन, ये इंफॉर्मेशन नहीं देगी कि वो मिसाइल्स का स्टेटस क्या है, उनका साइज क्या रहेगा। क्लियर है, 2019 में द यूएसए एंडेड द प्रैक्टिस ऑफ पब्लिकली डिस्क्लोजिंग द साइज ऑफ इट्स स्टॉक पाइल्स। तो यूएसए ने एंड कर दिया किसका, अरे पब्लिकली डिस्क्लोजिंग द साइज ऑफ इट्स स्टॉक पाइल्स। इवन यूएसए एंड रशिया हैव रिड्यूस्ड देयर न्यूक्लियर आर्सेनल्स अंडर द, अरे कौन सी ट्रीटी है जिसके अंदर हमने लिखा ना कि ओल्ड न्यूक्लियर वेपन्स को क्या करना है, डिसमेंटलाइजेशन करना है, और वो क्या है आपका न्यू स्टार्ट, मतलब न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से आप लोगों के लिए, तो कि न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है जिसको न्यू स्टार्ट बोला गया 2010 के अंदर, तो इसके तहत जो पूरे वर्ल्ड के अंदर 90% न्यूक्लियर वेपन वाले जो दो कंट्री हैं यूएसए और रशिया, इनको अपना न्यूक्लियर स्टॉकपाइल कम करना है, बट इट विल लैप्स, अब ये लैप्स हो गया था, मतलब खत्म हो गया था फरवरी 2021 में, अनलेस बोथ पार्टीज एग्री टू प्रोलॉन्ग्ड इट। हालांकि फरवरी 2021 में आपका न्यू स्टार्ट खत्म हो चुका था, बट फिर भी यूएसए और रशिया ने बोल दिया कि हम लोग इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे काफी लंबे समय तक। ठीक है ना, एग्री कर रहे हैं यार दोनों पार्टीज, कि पार्टीज एग्री टू प्रोलॉन्ग इट। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं, यहां पे लिखा नेक्स्ट पॉइंट, एक मिनट, कहते हाउएवर डिस्कशंस ऑन इट्स एक्सटेंशन हैव मेड नो प्रोग्रेस सो फार बिकॉज ऑफ द यूएस इंसिस्टेंस दैट चाइना मस्ट ज्वाइन
any future nuclear arm reduction talks which China has categorically ruled out. Clear है ये point आप लोगों को? Shall we move further, students? यहाँ लिखा the deadlock over the new start. अब क्या था deadlock? किसके ऊपर? New start के ऊपर? And the collapse of Soviet-USA treaty. अरे कंसेप्ट देख लें, वो कौन सा डेडलॉक था जिसके कारण कोलैप्स हो गया? किसके अंदर? सोवियत यूनियन और यूएसए की ट्रीटी के तहत ऑन द एलिमिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट रेंज एंड शॉर्ट रेंज मिसाइल्स. अरे इंटरमीडिएट रेंज को लेकर और शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को लेकर कोलैप्स हो गया था बिटवीन द सोवियत एंड द यूएसए ट्रीटी. अब कब INF ट्रीटी हुई थी? 1987 में आपकी. इन 2019 में ये प्रॉब्लम हो चुकी है. इट सजेस्टेड दैट बायलेटरल न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट्स माइट बी कमिंग टू एन एंड. क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं. ये लिखा कहते बोथ कंट्रीज, अरे दोनों कंट्रीज की बात कर रहे हैं, सिर्फ यूएसए और रशिया की यहां पे बात कर रही जा रही है. आप लोग ध्यान पे रखें, हैव गिवन न्यू और एक्सपेंडेड रोल्स टू न्यूक्लियर वेपन्स in their military plans and doctrines, which mark a significant reversal of the post-Cold War trends toward the gradual marginalizations of nuclear weapons. Clear hai students yahan tak? Koi doubt hai to please comment section mein zarur likhiye aap log. Hamari next news rehti hai ki global partnership on the artificial intelligence. Ye aapki news important rehne wali hai GS पेपर 2 एंड GS पेपर 3 के लिए. तो चले बढ़े आगे. यहां तक ये क्या लिखते हैं? कहते इंडिया हैज ज्वाइंट. अब इंपॉर्टेंट है, याद रखें कोई भी न्यूज आ जाए ना, भारत का प्रेजेंट फोकस क्या है, पास्ट हिस्ट्री क्या थी उस न्यूज को लेकर, और फ्यूचर किस तरीके से देख रहा है भारत, वो आपको देखने देखना है. भारत ने रिसेंटली ज्वाइन किया है GPAI को. वो क्या चीज है? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अरे पूरे विश्व में भारत ने भी ज्वाइन कर लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पार्टनरशिप को एज अ फाउंडिंग मेंबर टू सपोर्ट द. अरे एक फाउंडिंग मतलब एक नींव पत्थर रखा गया जो सपोर्ट करेगी किसको, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है रिस्पॉन्सिबल एंड द ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट एंड द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं आपके प्रिलिम्स को लेकर. अरे भारत भी अब चाहता है कि मॉडर्नाइजेशन हो जाए, तो हम लोग मॉडर्नाइजेशन कब होंगे? विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. याद रखिएगा ये चीज, क्लियर है ना? यहाँ पे लिखा GPAI मतलब ग्लोबल पार्टनर शिप ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये है क्या चीज? एक इंटरनेशनल एंड मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है टू गाइड. ये क्या बताती है, क्या हेल्प करती है? और रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन द ह्यूमन राइट्स. अरे ह्यूमन राइट्स की बात कर ली, इंक्लूजन डाइवर्सिटी इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. अरे भारत में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे बेटर रोल एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ में ही दिखा सकती है, इवन इनोवेशन में भी लेकर आएंगे, और हम लोग इंक्लूजन में ज्यादा लेकर आएंगे इस चीजों को. याद रखें, क्लियर? हालांकि हम लोग डाइवर्सिटी और ह्यूमन राइट्स पे भी काम करेंगे विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लियर है ना? बट आज का अगर प्रेजेंट टाइम देखा जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ में हमें बहुत मदद चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. इनोवेशन, अगर कुछ नया इनोवेट होगा तभी हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी. इंक्लूजन करना है, एडिशन करना है, कुछ ना कुछ हमें तो एड ऑन करना है, ठीक है ना? यहाँ पे लिखा वो गैप जो था किसके बीच में, थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में, अब वो गैप ब्रिज बन चुका है. ब्रिज बन गया किसके बीच में? थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में. और वो ब्रिज कौन सा है थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में जो गैप था, हमने उसको बोल दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तभी तो बोल दिया ना कि बाय सपोर्टिंग कटिंग एजेस रिसर्च एंड अप्लाइड एक्टिविटीज ऑन द आर्टिफिशियल रिलेटेड प्रायोरिटीज. सही है ना? यहां लिखा कि ब्रिंग टूगेदर लीडिंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम इंडस्ट्री सिविल सोसाइटी governments and academia to conduct research and the pilot projects on the artificial intelligence. सही है? यहाँ लिखते हैं आप ये चीज ना, यहाँ पे लिखा ना, ये mains में आप लोग use कर सकते हैं ये वाली line को, कि artificial intelligence played a major role and create a bridge between the theory and the practical by supporting
कटिंग एज रिसर्च एंड अप्लाइड एक्टिविटीज ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड प्रायोरिटीज। ये इंपॉर्टेंट रहती है इस तरीके की, क्योंकि एक तो लैंग्वेज बहुत सही आ रही है हमारे पास, सही है ना। आगे चलते हैं, कहते हैं इट विल इनिशियली कंप्राइजेस फोर वर्किंग ग्रुप्स। अब रिसेंटली स्टार्टअप किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो उसके चार वर्किंग ग्रुप्स रहते हैं और फोकस करना है किसको, एक तो रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा गवर्नेंस, द फ्यूचर ऑफ द वर्क, हम लोग उसका फ्यूचर देख सकते हैं, एंड इनोवेशंस एंड कमर्शलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा ये चीज भी आपके लोगों की, कि ऐसे कौन से फोर वर्किंग ग्रुप्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे, यहां लिखा फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्टनरशिप के, यहां पर लिखा एक तो ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, स्लोवेनिया, यूनाइटेड किंगडम्स एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ये सारे के सारे आपके फाउंडिंग मेंबर्स रह चुके हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें, एक चीज आप लोग याद रखें कि चाइना इज नॉट द फाउंडिंग मेंबर, याद रखें इस चीज को आप लोग। अरे हमारा नेबरिंग कंट्री है, अच्छा इसके अलावा भी पाकिस्तान इज नॉट द नेबरिंग, हमने इस चीज को भी फोकस करना है। आप लोग खुद देख सकते हैं कि भारत का GPAI के अंदर ज्वाइन करने का कितना ज्यादा बेनिफिशियल मिलेगा पूरे ग्लोब में, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, कहते GPAI विल सपोर्टेड बाय अ सेक्रेटरिएट्स टू होस्ट टू बी होस्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक ऑपरेशंस एंड द डेवलपमेंट। मतलब क्या है OECD, क्या है चीज ये, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये कहां पे आपका पेरिस में आपको देखने को मिल रहा है, क्लियर। एज वेल एज बाय टू सेंटर्स ऑफ एक्सपर्टाइज, वन ईच इन मॉन्ट्रियल जो कनाडा में है और एक है आपका पेरिस में। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रहेगा, मेंस पर्सपेक्टिव से लगा लो, प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहां तक चले। नेक्स्ट चलते हैं, GPAI विल बी एबल टू टेक एडवांटेज, किसका एडवांटेज लेना है, OECD's का, एक्सपर्टाइज ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी एंड इट्स लीडरशिप्स इन सेटिंग आउट द फर्स्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर द ट्रस्टवर्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या चीज है कि OECD's Principles on the Artificial Intelligence, again important point आपका, clear है। Next चलते हैं, यहाँ लिखा कि the OECD's मतलब Organization for the Economic Cooperation and Development will also be a permanent observer to the GPAI governing bodies। ये भी permanent member है आपका, ठीक। बढ़े आगे, next आता है कि India has recently launched, अब भारत ने, मैं इसको पहले इंपॉर्टेंट करता हूं पढ़ने से पहले, इंडिया has recently launched National Artificial Intelligence Strategy। अरे भारत ने recently launch कर दिया National Artificial Intelligence Strategy and National Artificial Intelligence Portal, ठीक है, and have also started leveraging आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अक्रॉस द वेरियस सेक्टर्स। और कौन कौन से सेक्टर्स हैं, वो है आपका पहला एजुकेशन, फिर आता है आपका एग्रीकल्चर, थर्ड आता है आपका हेल्थ केयर, फोर्थ आता है ई कॉमर्स, फिफ्थ आ गया आपका फाइनेंस, एंड सिक्स्थ इज योर टेलीकम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंट है ये चीज कि भारत ने लॉन्च की कुछ स्ट्रेटजीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। नंबर वन इज योर स्ट्रेटजी, नंबर वन इज योर पोर्टल, और क्या लिखा कि हैव ऑल्सो स्टार्टेड लेवरेजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द वेरियस सेक्टर्स। कौन कौन से, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, फाइनेंस एंड टेलीकम्युनिकेशन। नेक्स्ट है, अब बात करें कि स्ट्रेटजी की, कि नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी क्या है। ये रिलीज की गई थी 2018 में विद द हेल्प ऑफ नीति आयोग, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की तरफ से नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी पे काम किया हमने। इसको क्या बोल दिया, अल फॉर ऑल, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल,
as it focus on leveraging artificial intelligence for inclusive growth in line with the government policy. अरे वो कौन सी पॉलिसी है? वो है सबका साथ सबका विकास. मैं इसको प्रिलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, ये पहले दो पॉइंट्स को. तो ठीक है, यहाँ पे लिखा अब जो आपका स्ट्रेटजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर वो कौन कौन से सेक्टर्स में है, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन में, जहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब सरकारी पैसा लग रहा है, एंड लीड वुड बी नेसेसरी. अरे जहां पे सरकारी पैसा लग रहा है वहां पे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे रखेंगे. ठीक है ना, अरे क्यों, इनोवेशन लेकर आना है और भी बढ़ोतरी करनी है ना इसके अंदर. अब अगर बात करें नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, जब दूसरा पोर्टल है, हमने पहला देख लिया स्ट्रेटजी को, अब दूसरे की बात करते हैं. ये डेवलप किया गया जॉइंटली बाय द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन और किसके मंत्रालय के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज नास्कॉम. तो आप याद रखें कि नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल ज्वाइंटली डेवलप किया गया विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी. यहां पे लिखा ये पोर्टल बनाने का मतलब क्या है, मेंट टू वर्क, क्यों बनाया, कि एक स्टॉप वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड डेवलपमेंट्स इन इंडिया. अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अरे इसके अंदर हमें यह पता लग गया कि पोर्टल बनाया किसने, हमें यह पता लगा किस किस के जॉइंटली हेल्प से ये बना. क्लियर है, चलें आगे. नेक्स्ट आता है यहां पे देखते हैं, ये कटिंग है जो न्यूज है, हालांकि स्टूडेंट से थोड़ा सा डाटा पुराना है बट एक पढ़ लेते हैं. कहते हैं नियरली वन इन फाइव ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पांच में से एक, 22.2% अक्रॉस द फोर वर्टिकल्स TMTs, BFSIs, Rails and Healthcares सर्वे किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में. कहते दिस नंबर इज एंटीसिपेटेड टू सोर बाय द मिड 2019 से, और कितना है 68.6% टू यूज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आप लोग ये डाटा थोड़ा सा ध्यान में रखें. कहते TMT इंडस्ट्रीज emerges as the top early adopters for the artificial intelligence. अरे सबसे पहले तो कौन सी इंडस्ट्रीज ने adopt किया artificial intelligence के नेटवर्क को, that is a TMT. Followed by the, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर ने भी adopt किया, financial services ने adopt किया, insurance companies ने adopt कर दिया जिसको बोलते क्या BFSI and health cares. कहते at least 71% of organization are looking at इंक्रीज प्रोसेस. ठीक है यहां तक, ये बोलते हैं इंटेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकेडमी प्रोग्राम. अरे इंटेल क्या चीज रहती है जो हम लोग कंप्यूटर्स के अंदर मदरबोर्ड्स को यूज करते हैं, कि इंटेल की तरफ से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकेडमी प्रोग्राम शुरू किया गया वो ट्रेन कर रही है 15,000 साइंटिस्ट को, डेवलपर्स को, एनालिस्ट को एंड इंजीनियर्स ऑन द की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज. अरे ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा ना, ये भी इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए डाटा. क्लियर है ना, ये चीजें आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखें. चले आगे, आगे बढ़ते हैं. यहां पे देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर ही. कहते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इट डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ मशीन्स. बेसिकली ये आपके मशीन के एक्शन को डिफाइन कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है, अकम्प्लिशिंग टास्क दैट हैव हिस्टोरिकली रिक्वायर्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस. कहते इसके अंदर क्या है, टेक्नोलॉजी है लाइक मशीन लर्निंग, जो कोड रहते हैं हम लोग, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, बिग डाटा, न्यूरल नेटवर्क्स, सेल्फ एल्गोरिथम्स. अब बात करें OECD की, मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट की, ये बना था 1961 में, जिसके अंदर 37 मेंबर्स हैं कंट्रीज के रूप में. अब भारत इंपॉर्टेंट है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर बट वन ऑफ द की पार्टनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हालांकि भारत मेंबर नहीं है बट एक की पार्टनर है, किसका, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का. यहां पे लिखा कि पैसा इज द OECD's प्रोग्राम फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट, इंडिया विल पार्टिसिपेट इन द पीसा टेस्ट 2021. वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, इंपॉर्टेंट रहेगा. और ये आपको ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर्स स्टूडेंट्स पेरिस में मिल जाएगा, जो फ्रांस में है आपका. क्लियर यहां तक, शैल वी मूव फर्दर, आगे बढ़े. एक और न्यूज देखते हैं हम लोग आज.
बस आप मेरे साथ बने रहें, कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं आपको करंट अफेयर्स के अंदर। हमारी स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज रहती है, इलेक्शंस फॉर द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर। पढ़ें, यहां पे लिखा कि इलेक्शंस फॉर द फाइव नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। कितने? अरे पांच की बात कर रहे हैं, वो नॉन परमानेंट मेंबर है। अब वो इलेक्शंस हेल्ड होने हैं 17 जून 2020 को। क्लियर? What do you mean by, what do you mean by students, UNSE? पढ़ लें इसके बारे में, थोड़ा सा एड ऑन डाटा करते हैं हम लोग। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है क्या चीज, लीजिए। नंबर वन कहते ये एक तो आपकी एस्टैब्लिश हुई थी बाय द यूनाइटेड नेशंस चार्टर इन 1945 में। है क्या चीज, कहते इट इज one of the six principal organs of the United Nations। concept देखें, United Nations के छह principal organs हैं, उनमें से एक UNSE भी है। अब मैं आपसे declare discuss करता हूं। number one मैं UNSE लिख रहा हूं, किसका? छह principal organs को define करते हैं ना। और सेकेंड कौन सा रहेगा? ये रहेगी एक तो द जनरल असेंबली। हमने सिक्स को डिफाइन करा ना कि यूएन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। थर्ड वन इज योर द ट्रस्टीशिप काउंसिल, थर्ड ये रहेगा अपना। फोर्थ क्या रहेगा? द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। फिफ्थ क्या रहेगा आपका? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अरे हम पढ़ते हैं इसके बारे में तो, आईसीजे, ठीक है ना। और लास्ट वन छठा कौन सा रहेगा? द सेक्रेटरिएट। अरे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, प्लीज इसको आप लोग नोट डाउन करके रखें, ये चीज इंपॉर्टेंट रहती है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूं यूएनएससी की। यूएनएससी का मेन मुद्दा क्या है, मेन काम क्या है? कहते इट्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या चीज रहेगी इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी? इज टू वर्क टू मेंटेन, क्या रखना है? मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इंटरनेशनली। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट तो नहीं है? प्लीज ये चीजें आप लोग नोट डाउन करके रखा करो कि यूएनएससी क्या चीज है, ठीक है। आगे बढ़े, यहां लिखा एक मिनट, कहते इंडिया इज स्टैंडिंग अनअपोज्ड एज द नॉमिनी फॉर द एशिया पैसिफिक सीट। अरे भारत एशिया पैसिफिक सीट से है, फॉर द 2021-22 टर्म्स एंड नीड द वोट ऑफ 2/3। अरे कंसेप्ट देखिए, अब भारत को जीतने के लिए 2/3 वोट चाहिए, किसका? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मेंबर्स का, जिसके अंदर 129 वोट्स रहती हैं, टू बी कंफर्म्ड है। 2019 में द कैंडिडेचर ऑफ इंडिया वॉज अनएनोमसली एंडोर्स्ड बाय द 55 मेंबर्स। वो कौन से? एशिया पैसिफिक ग्रुपिंग की तरफ से, विच ऑल्सो इंक्लूड चाइना एंड पाकिस्तान, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां तक आगे चलते हैं। यहां बोला कि दिस वुड बी इंडियाज 8th टर्म, भारत का 8वां टर्म है, कहां पे? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब शुरू कब किया गया था? विच विल बिगिन फ्रॉम जनवरी 2021, इसी साल से शुरू किया गया। ये लिखते हैं कि मैक्सिको इज एक्सपेक्टेड टू बी इलेक्टेड अनअपोज्ड फ्रॉम सॉरी फॉर द लैटिन अमेरिकन ग्रुप। Even Canada, Ireland and Norway will contend for 2 seats of Western Europe and other groups. अरे याद रखें, मैक्सिको जो इलेक्ट हो सकता है, एक्सपेक्टेड है, वो किस सीट से लड़ रहा है? लैटिन अमेरिकन ग्रुप की तरफ से। कनाडा, आयरलैंड, नॉर्वे वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर ग्रुप से है।
और आपका जो भारत है वो किसकी साइड से, वो है एशियन पैसिफिक सीट से है। ये चीजें आप नोट करके रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा रहेगा प्रिलिम्स को लेकर। मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूं, ये डाटा आपके लिए प्रिलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है स्टूडेंट्स। इवन जो आपका कीनिया और जिबोती है विल कंटेंड फॉर एन एफ्रिकन सीट। क्लियर है यहां तक? फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखें डाटा, ताकि मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको वो जो आपका डाउट है वो मैं क्लियर कर सकूं। आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा कि इंडिया ऑब्जेक्टिव, अब भारत का जो मेन एम है ऑब्जेक्टिव है वो अचीवमेंट पे है, नॉर्म्स पे। वो क्या चीज है? अ न्यू ओरिएंटेशन फॉर द रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम। यहां पे देखें द मोस्ट फ्रीक्वेंटली इलेक्टेड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स जापान, ब्राजील, अर्जेंटीना, भारत। आपका ये रहा पेरा, कहते द 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर द 2 ईयर्स। कंसेप्ट देखें, वो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाता है 2 साल की टर्म्स के लिए। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। याद रखें, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2 साल की टर्म्स के लिए अपॉइंट किया जाता है किनको? नॉन परमानेंट मेंबर्स को। क्लियर है यहां तक? यहां पे लिखा कि डिमांड आती है किसकी? ट्रांसपेरेंसी की इन मैंडेट्स फॉर द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशंस के ऊपर। कहते पुश फॉर द इंडिया लीड। अरे पुश किया किस किसके ऊपर? भारत ने जिसको लीड किया वो क्या था? सीसीआईटी, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशंस फॉर द इंटरनेशनल टेररिज्म। अब इसके ऊपर मैं डाटा एड ऑन करता हूं क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे ये नेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है सीसीआईटी। अब ध्यान से देखिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय सीसीआईटी। मैं नंबर 1, एक मिनट पेन का कलर चेंज करके आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, प्लीज इसको नोट कीजिए। ये क्या चीज है? ये एक कहते एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज रिट्रीटेड इंडियाज डिमांड। भारत ने डिमांड किया था और सुषमा स्वराज जी ने बोला था वहां पे कि भारत डिमांड करता है फॉर अ सीसीआईटी। अरे सीसीआईटी क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन फॉर द इंटरनेशनल टेररिज्म। कहां पे? एट द 73rd सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। याद रखिए ये चीज। अगर मैं दूसरा पॉइंट लिखूं यहां पे, कहते इन 1996 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क टू काउंटर टेररिज्म। तो क्या हुआ था यहां पे? कहते भारत ने ही प्रपोज किया था कि इंडिया प्रपोज्ड टू यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द एडॉप्शन। किसको एडॉप्शन करना है? सीसीआईटी को। अरे भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया हमेशा टेररिज्म को फेस करता है। क्लियर है ना? तो भारत ही बोलता है, सुषमा स्वराज जी ने भी बोल दिया था 73rd सेशन में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कि भारत चाहता है कि सीसीआईटी को लागू किया जाए। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? कहते इंडिया हैज बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ द रिफॉर्म्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब सेइंग इट राइटली डिजर्व्स अ प्लेस एज परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल व्हिच इन इट्स करंट फॉर्म डज नॉट रिप्रेजेंट जियोपॉलिटिकल रियलिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी। भारत की मेंबरशिप क्या है यूएनएससी के अंदर? कहते India's presence in UNSC will ensure that voice of the largest democracy, बिल्कुल ठीक है, in the world, क्योंकि भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी वाला है, कहते will be heard in an important organ of the United Nations, बिल्कुल सही है। हालांकि India has always had a global voice and this will give in India a greater opportunity, तो भारत के पास एक बहुत बड़ी opportunity आती है to participate actively and shape the COVID-19 and the post-COVID scenario।
कहते इट्स प्रेजेंस, अगर भारत प्रेजेंस रखता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तो हेल्प होगी कि ब्रिंगिंग टू द वर्ल्ड्स इट इथॉस, मतलब वासुदेवाय कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट, प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट, प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा द ग्लोबल साउथ हैज इट्स डेवलपमेंट एंड द सिक्योरिटी एस्पिरेशंस एंड इंडिया विल हेल्प आर्टिकुलेट दीज एस्पिरेशंस इन द काउंसिल अक्रॉस द डिफरेंट इशूज। तो डिफरेंट डिफरेंट मुद्दों पे भी हम लोग इशूज वहां पे ले सकते हैं। क्लियर है ना? यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या चीज है, जो अभी पढ़ा हमने, एस्टैब्लिश किया सिक्स मेन ऑर्गन्स हैं और आर्टिकल 23 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर एक्ट के तहत ये बना। यहां पे लिखा कि यूएनएससी हैज बीन गिवन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेंटेन करना है पूरे विश्व में पीस एंड सिक्योरिटी टू द सिक्योरिटी काउंसिल्स को, विच में मीट वेन एवर पीस इज थ्रेटन्ड, और कब, जहां पे पीस को थ्रेट होगा, ठीक है ना, खतरा होगा। सिक्योरिटी काउंसिल हैज द पावर, अब यूएनएससी को पावर है ताकि वो डिसीजंस ले सके दैट मेंबर स्टेट्स आर देन ऑब्लिगेटेड टू इंप्लीमेंट अंडर द चार्टर। तो जो उसके मेंबर्स हैं वो डिसीजन उनके ऊपर लागू हो जाएंगे अंडर द आर्टिकल 23 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर एक्ट। क्लियर है ना? फाइव परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम्स एंड द यूएसए। अगर बात करें 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स की, जो इलेक्ट किए जाएंगे 2 साल के लिए बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, वो हैं आपके कौन कौन है देखते हैं। कहते हैं ईच ईयर द जनरल असेंबली इलेक्ट 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स, 5 फॉर अफ्रीकन एंड द एशियन कंट्रीज, 1 फॉर द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, 2 हो जाएंगे लेटिन अमेरिका से एंड द कैरिबियन कंट्रीज से, और 2 फॉर द वेस्ट यूरोपियन एंड द अदर कंट्रीज से। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? तो आज का सेशन में यहीं तक रोकता हूं। किसी को कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग, और मैं आशा करूंगा ये सेशन भी आपको काफी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको रेट कीजिए और रिव्यू कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।